This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। इन पांच बातों से टूट जाएंगे पद्मावत विरोधियों के दिल, राजपूत भी हो जाएंगे संजय लीला भंसाली के फैन। संजय लीला भंसाली की पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज यानी आज हो गई है। फिल्म को लेकर जबरदस्त हंगामा है और कई संगठन इसको लेकर हंगामा काटे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर विवाद कैसे पैदा हुआ। काफ़ी साल पहले एक ऐसी अफवाह उड़ी थी कि संजय लीला भंसाली जो पद्मावत बना रहे हैं उसमें अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावत की ड्रीम सीक्वेंस नज़र आएगा। इसी बात को लेकर हंगामा हो गया था। हालांकि संजय लीला भंसाली ने कई बार सफाई दी, लेकिन जब बात निकली तो दूर तक पहुंची। अब फिल्म का प्रेस शुरू हो चुका है और आज फिल्म रिलीज़ हो गई। इस तरह सच सामने आ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पद्मावत का विरोध करने वालों को फिल्म देखकर ज़बरदस्त निराशा होगी। फिल्म में राजपूत की वीर गथाओं को लेकर गोरा बादल तक कहानी खूब नजर आती है। आइए पद्मावत से जुड़ी पांच बातें जानते हैं जो संजय लीला भंसाली के विरोधियों को उनका फैन बना देंगी। राजपूताना गौरव। फिल्म की शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो भी बात फिल्म पर हावी रही है वह है राजपूतों का गौरव। अपनी बात पर अटल रहना, फिल्म कहीं भी एक बार भी राजपूत गौरव को धूमिल नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें शानदार ढंग से पेश ही किया गया है। प्राण जाए पर वचन न जाए। राजपूतों से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी बात को लेकर अटल रहते हैं। यही झलक संजय लीला भंसाली की पद्मावत फिल्म में दिखती है। अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह की मुलाकात होती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत का जिक्र करता है तो तलवारें निकल जाती है। लेकिन राजा रतन सिंह सिर्फ इसलिए अलाउद्दीन को छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी राजपूती परंपरा का निर्वाह कर सके। खौफ क्या होता है? राजा रतन सेन जानता है कि अलाउद्दीन भरोसे के काबिल नहीं है, फिर भी वो उसकी मेहमान नवाजी को स्वीकार करते हैं और वो उसके पास जाते हैं, और वो भी बिना किसी हथियार के। नतीजा घातक होता है, लेकिन राजपूत किसी भी हालत में खौफ नहीं खाते। राजपूती वीरांगनाएं। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि जितने राजपूत अपनी बातों को पक्के हैं उतनी उनकी पत्नियां और महिलाएं भी मौका पड़ने पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने के काबिल हैं। राजा रतन सिंह को छुड़ाने की हिम्मत अकेली पद्मावती दिखा देती हैं। पद्मावती प्लानिंग करती हैं और उन्हें खूब बखूबी इंप्लीमेंट भी करती हैं। वो राजा रतन सिंह को छुड़ा भी ले जाती हैं और अलाउद्दीन खिलजी हाथ मलते रह जाता है। राजपूत लाचार पर हथियार नहीं उठाते। पद्मावत में राजा रतन सिंह के पास अलाउद्दीन खिलजी को कत्ल करने का मौका तीन मिलते हैं, लेकिन वो अपनी ज़ुबान पर कायम रहते हैं और हर बार वो अपने नियमों की वजह से उसे बख्श देते हैं। वे निहत्ते पर वार नहीं करते हैं, वो लाचार को कत्ल नहीं करते हैं और घर आए मेहमान को नहीं छूते हैं, लेकिन अलाउद्दीन जंग जीतने के अलावा कुछ नहीं जानता। धन्यवाद।